हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल गांव की हाउसवाइफ में। फ्रेंड्स, आज हम रीयूज करने वाले हैं पुराने ब्लाउज। तो देखिए, इस तरीके से हमारे पास कुछ पुराने ओल्ड फैशन के ब्लाउज हैं, उसमें से आज मैं एक ब्लाउज रीयूज कर रही हूं। तो देखिए, इस तरीके से हमने ब्लाउज को ले लिया है यहां पे। अब हम सबसे पहले आगे का पार्ट यहाँ पर कट करेंगे। तो देखिए, इस तरीके से पहले हमें ओपन कर लेना है, उसके बाद यहाँ साइड से आप चाहें तो इसे खोल कर भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे कट कर ले रही हूँ क्योंकि जल्दी हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें देखिए कट करना है और इसे निकाल लेना है। दोनों साइड से इस तरीके से हम कट कर देंगे तो जल्दी से हमें जितना चाहिए उतना यहाँ पे कपड़ा मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे कट कर लिया है। अब दूसरी साइड भी हम कट करके निकाल लेंगे। तो देखिए, हमारा दो पीस यहाँ पे रेडी हो गया। अब हम कोई भी राउंड शेप का बर्तन लेंगे और इस तरीके से इसके ऊपर रख कर इसे मार्क करके और हम कट कर लेंगे। सेम इसी साइज का हम दूसरा पीस भी कट कर लेंगे। अब हमने इसी के साइज का एक राइस बैग लिया है और हमें देखिए इसके ऊपर रख कर इस तरीके से और इसे हमें क्विल्ट कर लेना है। इस तरीके से मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ और जहाँ जहाँ पे हमने मार्क किया है इसी पे हमें स्टिच कर लेना है। अब हमने यहाँ पे लिया है एक बायस पट्टी और इसे हमने सिलकर रेडी कर लिया है। अब हम पूरे राउंड में इसे इस तरीके से स्टिच करेंगे और इसके बाद हम पलट कर दूसरी साइड भी स्टिच कर लेंगे। तो देखिए, हमारा रेडी हो गया। अब हमें इस तरीके से प्लेट लेकर इसे स्टिच करना है। तो देखिए, यहाँ पे ऊपर से हमें थोड़ा सा जगह छोड़ते हुए हाफ हाफ इंच का यहाँ पर हमें प्लेट लेना है और इस तरीके से हमें स्टिच करते जाना है पूरे राउंड में। तो एक हमारा एक प्यारा सा ऑर्गेनाइजर रेडी हो जाएगा। इसे बनाना बहुत ही आसान है और लेकिन बनने के बाद आपने देखना है बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगने वाला है। तो इस तरीके से हम वन बाय वन प्लेटें लेते जाएंगे और पूरे राउंड में स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे स्टिच हो चुका है। अब इस तरीके से हम निकाल लेंगे। तो देखिए, हमारा प्यारा सा ऑर्गेनाइजर रेडी हो गया, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगने वाला है ये। इसका यूज आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी चीज़ को रखने के लिए कर सकते हैं। देखिए, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। अब जो नेक्स्ट आइडिया है उसके लिए मैंने ब्लाउज का बचा हुआ पार्ट लिया है और उसे भी देखिए नीचे वाले पार्ट को हमें इस तरीके से कट करके निकाल लेना है। और कट करके निकालने के बाद हम देखिए यहाँ पर नीचे जो यहाँ पर सिला हुआ है इसे भी हम ओपन कर लेंगे तो थोड़ा चौड़ा हो जाएगा। अब जो इसकी लंबाई है यहाँ पे 5.5 इंचेस और चौड़ाई की बात करें तो सबसे पहले हमें इसे डबल कर लेना है, उसके बाद हम इसे मेज़र करेंगे। तो देखिए, इस तरीके से इसकी जो चौड़ाई है वो है 9 इंचेस, क्योंकि हमें इसे टू पार्ट में डिवाइड करना है। देखिए, इस तरीके से टू पार्ट में यहाँ पे डिवाइड हो गया। अब हम यहाँ पर अलग से अस्तर यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि इसमें अस्तर लगा हुआ है, तो इसी का अस्तर हम यूज़ करेंगे और बीच में हम यहाँ पे राइस बैग रखकर इसे क्विल्ट कर लेंगे दोनों पार्ट को। तो देखिए, ये क्विल्ट हो चुका है। अब इसके बीच में हम इस तरीके से जिप को रखेंगे और हम स्टिच कर लेंगे। जिप स्टिच करने के बाद हमें चारों कॉर्नर पे यहाँ पे 1.5 इंचेज लंबा और 1.5 इंचेज चौड़ा इस तरीके से मार्क करना है और कट कर लेना है। इसी तरीके से चारों कॉर्नर पे हमें मार्क करना है और कट कर लेना है। इसके लिए हम देखिए इसी टुकड़े को चारों कॉर्नर पर रखेंगे और उसे हम कट कर लेंगे सेम साइज का। तो देखिए, इस तरीके से मेजर करना आसान होगा। अब इसके बाद देखिए हमें दोनों साइड से और नीचे स्टिच कर लेना है और उसके बाद हमें चारों कॉर्नर की सिलाई करनी है। तो देखिए, नीचे स्टिच हो चुका है। अब इस तरीके से हम कॉर्नर को पकड़ेंगे और इसे भी स्टिच कर लेंगे। इसी तरीके से चारों कॉर्नर की सिलाई करनी है। तो देखिए, चारों कॉर्नर की सिलाई हो चुकी है। अब हम इसे सीधी साइड पर टर्न करेंगे। तो ये देखिए, हमारा प्यारा सा ऑर्गेनाइजर बनके रेडी हो चुका है। आप इसका इस्तेमाल अपने अकॉर्डिंग किसी भी चीज़ को रखने के लिए कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सिलाई के सारे सामान रखकर आपको दिखा रही हूँ, तो बहुत ही ईजिली मेरा सारा सामान यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा। ये देखिए, अब जो नेक्स्ट आइडिया है उसके लिए देखिए बचे हुए पार्ट में से हमें स्लिप्स को कट करके निकाल लेना है। इसी तरीके से हमें दोनों स्लिप्स को कट करना है।
और उसे ओपन कर लेना है। अब दोनों को एक के ऊपर एक रख कर हम इस तरीके से कट कर लेंगे साइड में जो भी ये पतला वाला है, तो हमें बीच का पार्ट अच्छा मिल जाएगा और हमें उसी को यूज करना है। तो इस तरीके से हम दो पार्ट रेडी कर लेंगे। अगर यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा लग रहा है तो हम उसे कट कर लेंगे। उसके बाद देखिए हम इसे इस तरीके से सेट करेंगे और बीच में इसके हम जिप रख कर इसे भी स्टिच कर लेंगे। तो देखिए जिप स्टिच हो चुकी है। अब हम इसे देखिए यहाँ पे छोटा सा लूप अटैच करेंगे यहाँ पे जिप के पास, और उसके बाद हमें स्टिच करना है। तो इस तरीके से हम इसे सेट कर लेंगे और उसके बाद हम स्टिच करेंगे। यहाँ ऊपर की साइड में हमें थोड़ा मजबूत सिलाई लगाना है, उसके बाद हमें स्टिच कर लेना है सिंपल। इसी तरीके से हम पूरे राउंड में स्टिच कर लेंगे। देख हमारा प्यारा सा ये भी बन जाएगा ऑर्गेनाइजर, इसे छोटा सा पर्स बोल सकते हैं आप। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे स्टिच कर लिया है। अब हम इसे सीधी साइड पर टर्न करेंगे। जो हमारी ओल्ड लेडी होती हैं जैसे कि दादी नानी, उनको इस टाइप के पर्स बहुत ही पसंद होते हैं, तो आप उन्हें देकर खुश कर सकते हैं। वो अपने सारे सामान इसमें इजली रख कर मार्केट वगैरह जा सकती हैं। तो इस तरीके से मैंने रख कर दिखाया है आपको, आप अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। तो देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है, तो आप लोग भी ये तीनों आइडिया ट्राई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये तीनों आइडिया पसंद आए होंगे। तो प्लीज़ दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय भारत।